फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एस एन काशम्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल सा दिवाली मेकअप लुक। तो अगर आपको भी मेरा ये लुक पसंद आ रहा है तो मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एंड ये वीडियो मैंने चिट चैट वीडियो की है, तो अगर आपको मेरी ये चिट चैट वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी मैं आपके साथ ऐसी ही चिट चैट वीडियोज़ लेके आती रहूँ। एंड ऑल्सो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती रहूँ। चलिए फटाक से देख लेते हैं कि मैंने ये होल लुक कैसे क्रिएट किया है। गुड वाइब्स का बहुत ही अच्छा वाला टोनर है, तो ये आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये बिल्कुल रिफ़्रेश कर देगा आपके स्किन को एंड आपके मूड को बिल्कुल लिफ्ट अप कर देगा। तो मैंने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया है एंड अब मैं यूज़ करूँगी सीरम एंड देन मॉइस्चराइज़र। सो फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए मैं ये NYBA का स्किन फीडेंट हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करूँगी। तो ये आपके स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, जो कि विंटर्स में इसकी काफ़ी नीड होती है हम लोग को। तो पहले हम लोग इसको शेक कर लेंगे एंड देन ड्रॉपर की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे। तो बिल्कुल लिक्विड जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, आप देख सकते हैं। एंड अच्छे से सीरम को एब्जॉर्ब होने के बाद ही हम लोग मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। तो मेकअप से पहले स्किन केयर बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस लगे। तो मैंने यहाँ सीरम अप्लाई कर लिया है एंड अब हम लोग अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो उसके लिए कोकोनट क्रीम लिया है, जो कि है गुड वाइब्स का। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हाइड्रेटिंग क्रीम है, ऑयली एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो अब देख सकते हैं, ये मैंने न्यू परचेज़ किया है, ये मेरा थर्ड टब है। तो ये क्रीम मुझे काफ़ी पसंद है गुड वाइब्स का, तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। ये भी मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगी, ये ड्राई एंड ऑयली दोनों टाइप्स के स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट है। ये जिसमें भी अच्छे से हम लोग अप्लाई कर लेंगे ईयर्स एंड नेक पर भी, ताकि अच्छे से हमारा स्किन हाइड्रेटेड हो जाए एंड हमारा बेस मेकअप वो काफ़ी स्मूथली अप्लाई हो एंड बिल्कुल भी क्रैकी फाउंडेशन ना हो हम लोग का। तो अच्छे से हम लोग इसे एब्जॉर्ब होने देंगे स्किन में। कोई भी मॉइस्चराइज़र, टोनर या कोई भी स्टेप आप अप्लाई करने के बाद, उसके बाद आप एक दो मिनट का गैप देके ही नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करो। तो इससे काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मॉइस्चराइज़र हमने अप्लाई कर लिया है एंड आफ्टर वन मिनट हम लोग प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो प्राइमर के लिए मैं ये ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये से क्लियर जेल फॉर्म में होता है, तो काफ़ी अच्छे से आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है। तो अगर आपका कम बजट है तो आप ये जो है ये प्राइमर यूज़ कर सकते हो। एंड प्राइमर हम लोग को जहाँ भी ओपन पोर्स हैं इस तरीके से प्रेस इन करना है, ताकि हमारा पोर जो है वो येलो हो जाए, बिल्कुल ब्लर इफेक्ट दे। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे एंड बाकी जो होगा उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो दिवाली लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ, तो काफ़ी सिंपल लुक ही रखूँगी मैं। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम लोग 2 मिनट्स का वेट करेंगे एंड देन फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। एंड जो आप ये कुर्ती देख रहे हो, ये मेरा मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो मैं मीशो हॉल वीडियो भी आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोज़ थोड़ी डिले हो जाती हैं क्योंकि मैं काफ़ी लेज़ी हूँ इस वजह से, बट आपको वीडियोज़ मिलेंगी ज़रूर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड इधर बीच मैं ज़्यादा बिजी भी हूँ क्योंकि मेरी शादी आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशंस में, तो उसके लिए मेरी वीडियोस लेट भी हो सकती है, प्लीज़ डोंट माइंड। एंड अब हम लोग अप्लाई करेंगे करेक्टर, ताकि जो भी मेरे ये डार्क सर्कल एंड ब्लैक स्पॉट्स हैं वो हाइड हो जाएं। देख सकते हैं यहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स भी हैं एंड डार्क सर्कल भी हैं, तो उन्हें मैं पहले हाइड कर लूँगी NYX के कंसीलर पैलेट से। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये वाला शेड लिया है, तो ये सैल्मन पिंक कलर में यूज़ करने वाली हूँ अपने डार्क स्पॉट्स एंड अंडर आई डार्क सर्कल पर। तो आप अंडर आईज पे इस तरीके से ऊपर देखते हुए ही अप्लाई कर लें। तो मैंने कंसील कर लिया है एंड अब हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो उसके लिए मैंने ये ब्लू हेवन का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इससे अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड अब हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा। तो हम लोग इतना ही ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल कवरेज जो है वो बिल्कुल भी रिमूव ना हो, हल्का हल्का इसे डैबिंग मोशन में सिर्फ हम लोग इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। एंड इसके बाद हम लोग अपना बेस मेकअप अप्लाई करेंगे। तो फाउंडेशन के लिए मैं पहले ही मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन एंड देन ओलिविया का पैन स्टिक फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके एंड देन अप्लाई करूँगी। एंड इसमें मैं ये इल्यूमिनेटर भी मिक्स करूँगी, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फिनिश डीवी इल्यूमिनेटर है ये, तो इससे काफ़ी ग्लोई एंड शाइनी सा इफेक्ट आएगा, जिसकी नीड हम लोगों को दिवाली में होती है। काफ़ी शाइनी एंड ग्लोई सा मेकअप लुक चाहिए होता है, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल है, तो हम लोग ग्लोई एंड शाइनी सा लुक क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो बस ओलिविया का पैन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कवरेज भी काफ़ी फुल है। एंड इन दोनों को मैं इसलिए मिक्स करूँगी क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए है, ये काफ़ी ड्राई आउट कर देगा मेरे स्किन को, इसलिए मैं ये ओलिविया का पैन स्टिक भी, जो कि थोड़ा क्रीम बेस्ड में है, तो इसे भी मिक्स कर लूँगी, ताकि बिल्कुल भी बैलेंस हो जाए मेरा फाउंडेशन। एंड इल्यूमिनेटर मैं ग्लोई एंड शाइनी लुक के लिए करूँगी, तो ये हैक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्लोई एंड शाइनी लुक क्रिएट करना चाहते हो दिवाली पे। तो सबसे पहले मैं ओलिविया का पैन स्टिक ले लूँगी एंड इसमें बिल्कुल हल्का सा मैं अपने बैक हैंड पे ले लूँगी। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी काफ़ी थोड़ा सा लिया है मैंने, क्रीम बेस्ड है तो विंटर के लिए काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है एंड काफ़ी फुल कवरेज है। एंड 140 रुपीज़ में आपको ये फाउंडेशन मिल जाता है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी अच्छा फाउंडेशन। ये हाईली रिकमेंड करूँगी मैं कि आप ये फाउंडेशन ज़रूर लो, ये फुल्ली वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, मैंने इसे पूरी दिन अप्लाई करके देखा है, ये बिल्कुल भी आपके स्किन से रिमूव नहीं होता है, बिल्कुल हाई एंड फाउंडेशन जैसा ये आपको लुक देता है। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ओलिविया का पैन स्टिक। मेरा शेड है नेचुरल 03 एंड इसमें मैं ये मेबलिन का फाउंडेशन मिक्स कर लूँगी। तो उसके पहले हम लोग इस तरीके से फाउंडेशन को शेक कर लेंगे एंड बिल्कुल इतना सा मैं ले लूँगी। एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा इल्यूमिनेटर ले लेंगे हम लोग वेट एंड वाइल्ड का, तो वो भी मैंने ले लिया है इल्यूमिनेटर। एंड अब इन तीनों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो ये लुक मैं दिवाली के लिए क्रिएट कर रही हूँ फ्रेंड्स, बट अगर आप चाहते हो कि आपको ग्लोई शाइनी सा लुक ये आपको पार्टी लुक के लिए क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जो मैं बेस मेकअप करने वाली हूँ वो बिल्कुल फुल ऑन फुल कवरेज है, तो इससे आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप नाइट पार्टी या डे पार्टी में जाते हो तो।
तो इस तरीके से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि फेस पे अप्लाई करते टाइम बिल्कुल भी पैची एंड क्रेकी सा ना लगे। तो इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, फिंगर से इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश, जिस जो भी आप प्रीफर करते हो उससे आप अप्लाई करना अपने बेस को, तो उससे काफ़ी अच्छी खासी कवरेज मिल जाएगी आपको। तो मैंने अप्लाई कर लिया है एंड आप इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो मेरे बैक ऑफ दी हैंड पे जो भी फाउंडेशन है ना उसे मैं अपने नेक पे अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको कम पड़ जाता है तो आप और भी फाउंडेशन लेके उसे अपने नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करें। इससे काफ़ी इवन लगेगा आपका फेस एंड नेक। जो भी मैं आपके साथ बेस मिक्स करके एंड अप्लाई करती हूँ ना, इसे मैं अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ एंड मेरा फेस बेस काफ़ी फ्लॉलेस रहता है। जब भी मैं कभी बाहर भी जाती हूँ तो मैं ये वाले ही हैक्स ट्राई करती हूँ, दो दिन फाउंडेशन एंड इल्यूमिनेटर को मिक्स करके, ताकि जो मेरा मेकअप हो बिल्कुल फ्लॉलेस लगे एंड बहुत ज़्यादा हैवी सा ना लगे, बिल्कुल नेचुरल सा लगे। क्योंकि मैट फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारा फेस होता है ना वो बिल्कुल मैट हो जाता है, बिल्कुल कोई भी शाइन नहीं होता है। तो उसके लिए हमें इल्यूमिनेटर ज़रूर मिक्स करना चाहिए ताकि हमारे फेस पे एक हल्की सी शाइन भी रहे, क्योंकि हम लोग डे लाइट में हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए इल्यूमिनेटर आप फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। नाइट टाइम में आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, बट डे टाइम में आपको इल्यूमिनेटर क्रीम का यूज़ करना चाहिए अपने फाउंडेशन में मिक्स करके। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे उतना ही फ्लॉलेस आपका बेस होने वाला है। तो चलिए इसको फुल्ली ब्लेंड करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो कंसीलर के लिए मैं ये एले गर्ल प्रो का कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ड्राई कंसीलर है, ड्राई आउट करता है आपके अंडर आईज़ को। तो अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप स्किन केयर करते टाइम ही अंडर आई क्रीम या ऑयल या सीरम ज़रूर अप्लाई करें अपने अंडर आईज़ पे, देन ही आप इस कंसीलर को यूज़ करें। ये काफ़ी फुल कवरेज कंसीलर है, दैट्स वाई मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये हाइलाइटिंग इफेक्ट के लिए मैं कर रही हूँ। अगर आप नाइट पार्टी में जाते हो तो ये वाला स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप डे पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो तो इस हाइलाइटिंग का जो भी पार्ट होता है उसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो आज मैं काफ़ी चिट चैट वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाती हूँ और इस तरीके से वीडियो लंबी भी हो जाती है, बट इस तरीके से आपको मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाती हूँ। बट मैं म्यूट करके वीडियो आपके साथ ऊपर से वॉइस ओवर करके शेयर करती हूँ, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। दैट्स वाई मैं आज आप लोग के साथ चिट चैट मेकअप शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके साथ चिट चैट वीडियो भी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैं चिट चैट वीडियो जल्दी नहीं करती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है वीडियोज़ को। तो इस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। एंड देन इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। ये थोड़ा जल्दी ड्राई आउट हो जाता है तो आप जितना जल्दी हो सके इसको ब्लेंड कर लेना। ये कंसीलर थोड़ा जल्दी ड्राई आउट हो जाता है फ्रेंड्स, बट अच्छे से हाईलाइट कर देता है आपके अंडर आई डार्क सर्कल को एंड काफ़ी अच्छी हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देता है। एंड बहुत टाइम बाद मैं इस कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो एक ही एक प्रोडक्ट देख के। एंड फ्रेंड्स आपको मेरा लुक कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे काफ़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स को पढ़ के, तो आप वो ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से ऊपर देखते हुए आप अपने अंडर आई कंसीलर को अच्छे से
ब्लेंड करोगे तो आपका जो भी यहाँ पे फाइन लाइन्स होता है ना वो बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा। एंड देन उसको हम लोग सेट कर देंगे सेटिंग पाउडर से। एंड अभी मैं आप लोग को बिल्कुल घोस्ट जैसी लग रही होंगी, काफ़ी फ्लैट था मेरा फिक्स लग रहा होगा, बट मैं कॉन्टोरिंग ब्लशर सब करने के बाद आपको काफ़ी इवन लगेगी मेरी स्किन। अब हम लोग अपने अंडर आइज को सेट कर लेंगे फटाक से। उसके लिए ये बनाना का लूज पाउडर लूँगी मैं, ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है। एंड हाइलाइटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है मेकअप रिवोल्यूशन का ये बनाना पाउडर है फ्रेंड्स। ये फेयर स्किन एंड मीडियम स्किन दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी। इससे मैं बाहर भी जाती हूँ तो भी अप्लाई करती हूँ, तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग पाउडर है। एंड अभी मैंने हुडा ब्यूटी का भी फाउंडेशन सेटिंग पाउडर मंगाया है, एंड वो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। उसका वीडियो मैं जब मैं उसे अप्लाई करूँगी तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से बैक ऑफ दी हैंड हम लोग थोड़ा सा ले लेंगे एंड देन इसी की हेल्प से हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो अप साइड में देखते हुए हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। इससे आपका जो बेस होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें फ्रेंड्स। तो जहाँ जहाँ भी मेरे स्वेटिंग होती है वहाँ वहाँ मैं इसे अच्छे से इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। 30 सेकेंड्स के लिए हम लोग इसे ऐसे ही रहने देंगे। एंड अपना जो फुल फेस है हमारा उसे हम हल्का बिल्कुल लूज पाउडर अप्लाई करेंगे, क्योंकि विंटर आने वाली है तो लूज पाउडर की इतनी नीड नहीं होगी। सिर्फ आप अपने अंडर आई एरिया एंड जहां आपकी स्वेटिंग होती है उससे सेट कर लो एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका बेस मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये ब्रश लूँगी एंड बिल्कुल हल्का सा मैंने लूज पाउडर लिया है एंड इसे पूरे फेस पर हल्का अप्लाई कर लूँगी। अंडर आई एरिया के नीचे जो भी मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई किया उसे मैं अभी नहीं रिमूव कर रही हूँ, आई मेकअप के बाद हम लोग उसे रिमूव करेंगे। तो आप मेरा बेस मेकअप देख सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल फुल कवरेज आपको नज़र आ रहा होगा एंड कहीं से भी आपको डार्क स्पॉट्स एंड मेरे जो भी स्पॉट्स हैं ब्लैक स्पॉट्स वो नहीं देखेंगे। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे कॉन्टोरिंग। तो उसके लिए मैं ये शिवाना का ब्लशर पैलेट लूँगी एंड ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लशर पैलेट है, ये 300 रुपीज़ में आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, तो ये भी मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड इसमें से मैं ये कॉन्टोरिंग शेड यूज़ करने वाली हूँ, कि मैं दिवाली लुक कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने पाउडर कॉन्टोरिंग यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड क्रीम कॉन्टोरिंग मैंने यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल हल्की कॉन्टोरिंग के लिए, ताकि मेरा जो फेस है वो बिल्कुल फ्लैट सा ना दिखे। ब्लशर अप्लाई करूँगी। तो ब्लशर के लिए मैंने ये ब्रश चूज़ किया है, ये डोम शेप्ड ब्रश है एंड इससे मैं पिच एंड पिंक दोनों कलर के ब्लशर को मिक्स करके अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से जो भी एक्सेस होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे देन अप्लाई करेंगे। एंड इसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले हम लोग सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे, ताकि जो भी पाउडर प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किया है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारे स्किन में एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो फिक्सिंग स्प्रे के लिए मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का ये 3-in-1 फिक्सर लिया है, इससे मैं अपने बेस को फिक्स कर लूँगी ऐसे शेक करने के बाद। एंड इस टाइम पे जब भी आपका फिक्सिंग स्प्रे सेट हो रहा हो या आपने अप्लाई कर लिया हो उसके तुरंत बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से ना इस तरीके से डैबिंग करें, क्योंकि आपका बेस मेकअप हट सकता है फुली तरीके से ड्राई होने के बाद ही आप करें, स्पेशली इस फिक्सर को अप्लाई करने के बाद। तो अब हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर के लिए मैं ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ करूँगी, क्योंकि नाइट टाइम है तो मैं यही वाला हाइलाइटर प्रीफर करूँगी। अगर आप डे टाइम में जा रहे हो तो आप सिल्वर या पिंकिश हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो।
क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने आईब्रोज को फिल इन करेंगे। उसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ अलग से शेयर की है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि अगर मैं आईब्रो ऐसे फिल इन करने लगूंगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। दैट्स वाई मैं बैक कैमरा आईब्रो को फिल इन करके आपसे मिलती हूँ। एंड मैं अब आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये हुडा ब्यूटी का ये मिनी ऑब्सेशन पैलेट लिया है एंड ये इलेक्ट्रिक ऑब्सेशन पैलेट है। तो सबसे पहले मैं ये ऑरेंज कलर को पिक करूँगी एंड हल्का हल्का इस लिड पर अप्लाई कर लूँगी। देन उसके बाद ये मैं पर्पल शेड लेने वाली हूँ एंड इसे मैं अपने क्रीज पर अप्लाई करूँगी। तो मैंने पर्पल कलर को इस तरीके से अप्लाई कर लिया है एंड अब एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसे हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी। एंड अब मैं पिंक कलर लेने वाली हूँ, तो मैं ये वाला पिंक का शेड यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एंड देन हम लोग कट क्रीज बनाएंगे, तो कट क्रीज के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूँगी फ्रेंड्स, इसे मैं अपना कट क्रीज बनाने वाली हूँ। तो बिल्कुल हाफ ऑफ द लिड मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, इस तरीके से हम लोग अप्लाई कर लेंगे। एंड वाइट कलर का या क्रीम कलर का कोई भी आप आई शेडो बेस लेके इसको प्रेप कर लेंगे हम लोग। आप चाहे तो ये लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हो। पिंक कलर को अपने आउटर कॉर्नर पे, इस आउट कॉर्नर पे हम लोग पर्पल शेड अप्लाई करेंगे। मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिए हैं, जो भी हमारा ये वाइट दिख रहा है ना, तो इस पे हम लोग येलो आई शेडो अप्लाई करेंगे। ये सेम पैलेट से मैं ये येलो आई शेडो पिक करूँगी। मैंने अप्लाई कर लिया है एंड सेम मैं इस आईलिड पर भी अप्लाई कर लूँगी, तो ये मेरे आउटफिट से बिल्कुल मैच करता हुआ येलो शेड है फ्रेंड्स। तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया है अपने इनर लिड पर एंड अब हम लोग अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑरेंज कलर को लेंगे, इसे मैंने ऊपर अप्लाई किया था लिड पर एंड बिल्कुल हल्का हल्का इसे अपने इनर लिड पर अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे पिंक शेड को, तो ये वाला पिंक हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग पर्पल शेड को अप्लाई करेंगे, तो ये रहा पर्पल शेड, ये शिमरी शेड है। उसके लिए मैं ये फ्लैट ब्रश लूँगी, आउटर कॉर्नर से कनेक्ट करते हुए हम लोग अपने लोअर लैश लाइन को भी इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा जो फुल आई लुक है ना वो बिल्कुल कनेक्टेड लगे। एंड अब हम लोग काजल अप्लाई कर लेंगे। काजल के लिए मैंने ये NYBAE का काजल लिया है, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड देन आप नाइट पार्टी में जा रहे हो तो आप यहाँ पे लिक्विड आई शेडो यूज़ कर सकते हो, स्विस ब्यूटी का या निका के का। एंड ये स्विस ब्यूटी का है, ये निका के का लिक्विड आई शेडो है, तो आप कोई सा भी शेड अप्लाई कर सकते हो, बट मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँ। स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड मेटालिक आई शेडो है। तो इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी एंड यहाँ भी मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने टियर डग एरियाज पर। इस वाले गोल्डन शेड से एंड जो भी अगर आपको लगता है कि आपके आईज के बाहर आई शेडोज निकल गई हैं तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हो कंसीलर की हेल्प से, तो उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। लैशेस को कर्ल कर लूँगी।
लोग लाइनर अप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने नाइका का लाइनर लिया है, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। तो मेरा आईलाइनर अप्लाई हो गया है एंड अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड इसके बाद लैशेस। तो मस्कारा मैं बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, तो वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा लिया है मैंने। तो ये लैशेस मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किए थे फ्रेंड्स एंड इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं डुओ के लैश ग्लू से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी तो मेरा फुल फेस मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो लिपस्टिक के लिए मैं हुडा ब्यूटी का ये स्पाइस गर्ल शेड यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैं ये वाले इयररिंग्स वेयर करके अपने लुक को कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स। सब तो काफ़ी क्यूट से ही चांद वालीज हैं। छोटी सी बिंदी अप्लाई कर लेंगे हम लोग। फ्रेंड्स लिपस्टिक का कलर मैं चेंज करने वाली हूँ एंड मैं ये पर्पल का HD मिनी लिक्विड अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का ब्यूटीफुल सा दिवाली मेकअप लुक। और आपको मेरी ये चिट चैट वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारी प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। ये वीडियो मैं आप लोग के साथ बहुत डिटेल में शेयर कर रही हूँ चिट चैट, तो ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है, तो इस पर अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे भी मैं इस तरीके की चिट चैट वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। क्योंकि जब मैं म्यूट वीडियोस बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाती हूँ मेकअप से रिलेटेड। मुझे जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर करके एंड देन अपलोड करना होता है। बट इस तरीके की चिट चैट वीडियो में मैं आपके साथ सारे इन्फॉर्मेशन मेकअप से रिलेटेड शेयर करती हूँ, जो भी छोटे छोटे हैक्स होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये चिट चैट दिवाली मेकअप लुक वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे रिक्रिएट करें एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड ये प्यारा सा एंड काफ़ी इंडियन लुक मैंने क्रिएट किया है दिवाली के लिए एंड काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड एंड ये भी बताइएगा मेरा आज का दिवाली मेकअप लुक आपको कैसा लगा। अगर आप न्यूली मैरिड गर्ल हो तो इस तरीके से अगर आप मेकअप करोगे, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको आपका ये मेकअप ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।